साफ सफाई, अब चलते हैं घर में नहा लेते हैं। नहा धो के हो गए हैं रेडी, अब चलते हैं दुकान में करते हैं पूजा पाठ। जय शंकर जय बाबा ना। तो गाइस नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और गाइस पूजा पाठ भी हो चुकी है। जय भोलेनाथ। तो चलो गाइस चलते हैं अब घर में करते हैं ब्रेकफास्ट। गाइस तो आज खाने में बना है भिंडी वर्सेस परांठा, तो खा लेते हैं। गाइस तो आज खाने में बना है भिंडी वर्सेस परांठा, तो खा लेते हैं। गाइस तो खाना खुना खा लिया, अब चलते हैं बैजनाथ में। छोटे मोटे काम है एक दो, उसको कराते हैं। बैंक बुंक में है, चलो चलते हैं। गाइस तो सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर में, घर में पहुँचने ही वाले हैं। तो चलो चलते हैं घर में। गाइस करते हैं घर में कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। और लैमिनेशन का काम भी हो चुका है और अब चलते हैं फिर से बैजनाथ में, नाना जी को खाना दिलाते हैं। और देखिए मौसम कुछ ऐसा है, दे उन दो पत्ते नाने। हाँ, भूख लगी होंगे बेचारे हो। आना तो नहीं कुछ खाने खा रहे हो, आना देना नहीं देने। क्या खाना है? आज कल नहीं खाते बकर, सावन का महीना लगे छा, कल जाना माटू छा ये लीजिए खाना, अम्मा ठंडा मंगाया। मिलना ठंडा पीना लड़की पिया तो मिलना नहीं, इस टाइम नहीं मिलना। क्या कराना है? ऊपर काम एक बैग में पेट्रोल पंप के पास एक छोटा सा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय करो, बाय। हाँ एक छोटा सा काम हो चुका है, अब निकलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं युग के लिए फाई ट्रक लेने, फाई कलर का। चलो चलो तो यहाँ पे आए हैं फाई ट्रक देख रहे हैं, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फाई ट्रक कहीं भी नहीं मिला, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ। चला गया हाँ। नीति तपा पे ठंडा क्यों गया? पापा सटती है राती है, पापा पे ही है राती। हाँ हाँ थोड़ी कितनी आ तीन यहाँ ये चिपली है ना चिको, बोले ठंडा मंगाया है ना, पीता भी ठंडा। मैं पीता अगर नहीं थोड़ा क्या देना पीता होना। लगी है पापे में तो जानू में तो लगी है। खाना पीना हो गया, अब कर लेते हैं काम जो बचा थोड़ा बहुत, और बारिश लग पड़ी। देखिए आजकल तो बारिश का पता नहीं लगता कब हो रही है कब नहीं हो रही। चलो कर लेते हैं काम बचा है, इसको करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं। कीचड़ हो रखा है। क्या क्या
गाइस आज एक बहुत जरूरी काम है, तेल डलवाने जा रहे हैं बैजनाथ में, क्योंकि कल जाएंगे हम एक जरूरी काम के लिए। तो चलो चलते हैं, अभी तेल डलवाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए जो है अभी ही तेल डलवा लेंगे हम। तो निकलते हैं, फिर कल बताएंगे कहाँ जाएंगे, जरूरी काम है, एक बहुत ही जरूरी काम है, तो कल सुबह जल्दी बहुत ही जल्दी निकलना पड़ना है। तो चलो गाइस चलते हैं। मामा बोलना चाहेंगे कुछ काम। स्माइल आप दे। ओहो क्या हाल है, बढ़िया भाई। हम अपनी गाड़ी को चेक करवा रहे हैं गाइस, देखिए देखिए कोई कमी पैसे तो नहीं है। नहीं तेल ठीक है, इंजन ऑयल ठीक है, बढ़िया ना। कोई कमी पेशी नहीं रहना चाहिए। तो मनाली पता है क्या अभी करवा रहे हम गाड़ी ठीक। तो गाइस गाड़ी हमारी चेक हो चुकी है, गाड़ी चेक हो गई सर, अब जाने लगे हैं। नहीं भाई मैं से नहीं सर, तेल डलवा के हम पहुंच चुके हैं चवीन चौक में। देखिए चवीन चौक का नजारा, घर में पहुंच गए, अब चलते हैं बैजनाथ में, बाल बूट दाढ़ी दूड़ी सेट करवाते हैं।
भाई का वीडियो शूट करना था, वो भी कर लेंगे। गाइस तो इनके पास टाइम नहीं था और हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो चलो चलते हैं। लाइट लाइट नहीं आई चलाना टेलीविजन वगैरह लाइट। बारिश भी लगी हुई है तो घने क्या नहीं पता समोसा नहीं है। आइए लाइट दे दे मुझे थोड़ा दे। क्या है ये? आलू पैटी बतेरी है, खा लानी है। क्या सॉस है? सॉस ये लीजिए। कपड़े मंडो गया है। प्लेट ले मां ना। प्लेट ने खाइए बताइए फिर कैसी है। रोटी गाइस तो हमारे नाना जी भी पहुंच चुके हैं। बराती खा ले पैटी पैटी राजमा पर लिया बराती लिया ठंडा पैना अमो क्या कहते हैं अम्मा आधे रास्ते पे ही है। तो अभी दुकान में बैठा हूँ और दोबारा से मुझे जो है ब्लॉग डालना पड़ा क्योंकि एक ब्लॉग डिलीट करना पड़ा मुझे क्योंकि कुछ उसमें वीडियो डाल दी थी मैंने तो मना की तो अभी दोबारा से ब्लॉग अपलोड हो गया है और टाइम 8 बजने वाले हैं और अभी जो है पब्लिक करूंगा मैं जल्द से जल्द। जाओ और देखो ब्लॉग को, कल वाले ब्लॉग को, इस वाले को तो देख ही रहे हो आप। गाइस तो टाइम हो चुका है 8:30 और मैं आया हूँ आज नैनो गाड़ी लेके क्योंकि कभी नैनो गाड़ी चलाई नहीं थी तो एक गेड़ी मारने आया था गाइस, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको चला के। एकदम सिंगा धन्ना धन्य करके चल रही है गाइस। वो बजने वाले हैं गाइस और अब एक गेड़ी जो बैजनाथ की बनती है तो चलते हैं बैजनाथ। क्या बनता है बैजनाथ में? मिल गया शिशु। अब अभी हम जा रहे हैं कहीं, शिशु बोल रहे कुछ खिलाएंगे आपको, तो चलो चलते हैं। शिशु कहाँ लेके जा रहा है? कुछ नहीं बोला मैंने तो बोल रहा तेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि भाई कुछ खिलाना है। चलो खिला देता हूँ। बोला बोले हाँ ठीक खिला देता हूँ। अच्छा क्या खिलाएगा? स्प्रिंग रोल। आए गाइस तो स्प्रिंग रोल खाएंगे अभी हम। गाइस तो ऐसा है कि हमें जो है स्प्रिंग रोल कहीं भी नहीं मिले खाने को और देखिए हमारे दोस्त भी खाली आ जा रहे हैं। नहीं
करनी पड़ती है इनको, कैसे कैसे जो है रेन शेड के नीचे खाना बना रहे थे ये। चलो अभी हम भी घर में खाना खाएंगे गाइस, मिलेंगे केक से। गाइस तो 9:50 हो चुके हैं और लेमिनेशन का काम बच गया है, वो कर लेते हैं, पर मुझे दुकान में जाना पड़ना अभी क्योंकि फ़ोटो के लिए पीछे जो है पेपर लगता है वो ख़त्म हो गया, तो दुकान में है तो दुकान में जाना पड़ना, वो खोलने पड़ने फिर लाना पड़ना क्योंकि सुबह जाना है जल्दी, तो फ़ोटो करना पड़ने लेमिनेशन। चलो चलते हैं, पेज ले लिए, तो इसको रोल करेंगे और इसके बाद लगाएंगे ये वाला पेपर, ये करेंगे रोल। देखिए लग गया, ऐसे ही करेंगे हम, 4-5 फोटो हैं उन सब में फिर मिलते हैं। गाने लगा लेता हूँ गाइस क्योंकि म्यूजिक के साथ जो है अच्छा काम होगा, तो फ़ोन एक ही है मेरे पास तो इसमें लगेंगे गाने भी, इसकी जो है ब्लॉग जो है थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो 10:30 हो चुके हैं, बस अब जो है टेप रह गई है लगाने को और बाकी काम जो वो हो गया है धीरे धीरे, तो गाइस लगा लेता हूँ टेप फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस तो 10:50 हो चुके हैं, ये सारा जो है लेमिनेशन का काम फ्रेम वगैरह लगा दिए मैंने और टेप वगैरह, और अब करूँगा ब्लॉग को एडिट क्योंकि सुबह जल्दी जाना है, तो अभी ब्लॉग को एडिट कर दूँगा और यूट्यूब में डाल दूँगा और पब्लिक जो है वो कल सुबह कर दूँगा 8 बजे क्योंकि कल जाना है कहीं काम से इसलिए। तो गाइस आज का ब्लॉग होता है ख़त्म, मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। और गाइस ऐसा है कि आजकल जो है व्यू आने कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मुझे लग रहा है कुछ पसंद नहीं आ रहा है ब्लॉग वगैरह, तो गाइस आप अपना जो आप बताओ भाई कैसे शूट करें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपका जो है आशीर्वाद चाहिए, तो आपका भी मुझे पता लगना चाहिए भी आप कैसी वीडियो पसंद करोगे। तो ठीक है गाइस, बाय बाय गुड नाइट, और ज़रूर बताना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने किया उनका तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे जो इतना साथ दे रहे हैं गाइस। तो पीछे पीछे जो शादी के ब्लॉग डाले थे उसमें तो व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, मैं बहुत खुश भी था, और आजकल जो अब पता नहीं क्या चक्कर है कम होते जा रहे हैं, समझ नहीं जा रहा है। तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।